तो चलिए हम लोग अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर देख रहा हूँ। वन लाइनर में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया? तो यह 7वीं अनुसूची। भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय और भारत व्यय के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जाती है? तो यह विनियोग विधेयक। 1955 में एम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीय किस बैंक की स्थापना की गई? तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त की होती है? तो रत्न एवं आभूषण से। यदि कोई राष्ट्र मशीनरी संयंत्रों, विनिर्मित वस्तुओं और प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा है तो वह किस श्रेणी के राष्ट्रों में आता है? तो विकसित राष्ट्रों। अगला, उत्पादक व उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को आरंभ किया? तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? तो विश्व बैंक। अगला है, भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो घरेलू क्षेत्र से। अगला है, भारतीय वैज्ञानिक मार्ग विकास संस्थान कहाँ स्थित है? रांची, झारखंड में। अगला है, ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया? तो यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला है, भारत में विदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण किसका है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला है, बैंक दर किस नीति से संबंधित है? तो मौद्रिक नीति से। अगला है, मालेगाम समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह प्राथमिक पूंजी व्यापार। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया? तो केरल ने। अगला, आय असमानताओं में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आकलित किया जाता है? तो यह ग्रीनी गुणांक एवं लॉरेंस बग। अगला है, कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो यह 1990 में। अगला है, किस एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार कीमत पर मूल क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय आय। अगला है, पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से? तो बचत का सृजन, बचतों का संगठन, वास्तविक निवेश। अगला है, किस राष्ट्र के आर्थिक स्थायित्व को किन सुनिश्चित समष्टि संकेतकों के व्यवहार द्वारा जाना जाता है? तो यह राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष, मुद्रा स्फीति। अगला है, भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था कौन सी है? तो यह नाबार्ड। अगला है, भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? तो पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट। अगला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया? तो यह एडम स्मिथ ने। अगला है, समृद्धि की अवस्थाएं अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह रो स्टोव से। अगला है, जब घरेलू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रा स्फीति प्रकट होती है? तो यह मांग प्रेरित स्फीति। अगला है, रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? तो यूटीआई बैंक लिमिटेड 1994। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उनके समापन तक अधिकार किस विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। अगला, उत्तर प्रदेश के निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है? नोएडा में। अगला है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष 1921 है। अगला है, भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत संबंधित है? तो वी के आर वी राव से। अगला है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण का सर्वप्रथम बल दिया गया? 7वीं अनुसूची में। अगला है, ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया? तो यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। अगला है, चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य? तो व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी। अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था।
अगला है भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई, 1950 में। अगला है निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ी, तो रैगनर्स नकर। अगला है राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार है साधन लागत पर NNP। अगला है अमेरिका पत्रिका फॉर्च्यून ने 40 वर्ष से कम आयु के विश्व के 40 सर्वाधिक धनवान व्यक्तियों की सूची में भारत के एकमात्र व्यक्ति को 8वां स्थान प्रदान किया है, तो ये आदित्य बिड़ला समूह कुमार मंगलम बिड़ला को। अगला है अर्थशास्त्र का वर्ष 2002 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये डेनियल काहनमैन वार्नोल एवं वार्नोल एल स्मिथ को संयुक्त रूप से। अगला है निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी बिक्री व शुद्ध लाभ दोनों की दृष्टियों से देश का सबसे बड़ी कंपनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बहुमूल्य है, तो घरेलू क्षेत्र। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हेडगिंग का अर्थ है विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना। अगला है भारतीय बाजार में पीटर इंग्लैंड ब्रांड नाम से उपलब्ध है कमीजें। अगला है भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व किस संस्था को सौंपा गया, तो यह औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक को, निर्माण बोर्ड को। अगला है रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों व प्रतिभूतियों पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है, रिपो दर। अगला है रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक ने प्रारंभ की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने। अगला है निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बैंक के प्रमोटरों का अंशदान किसी भी समय बैंक की चुकता पूंजी का न्यूनतम कितने प्रतिशत रखा गया है, तो ये 40% है। अगला है महल नोविस अथवा नेहरू महल नोविस कूटनीति पर भारत की किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आधारित था है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला है आदर्श बेरोजगारी व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता कैसी होती है, तो शून्य अथवा ऋणात्मक। अगला है जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होती है, तो इकाई के बराबर। अगला है दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। अगला है बड़ा धक्का अथवा प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, रोजेस्टीन रोडान थीसस। अगला है संतुलित विधि के सिद्धांत का सर्वप्रथम का समर्थन किया, तो रोजेस्टीन रोडाल एवं रेगनर नकर्से तथा आर्थर लुइस। अगला है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास किस रणनीति पर आधारित था, तो महल नोविस रणनीति पर। अगला है सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई थी, ऊर्जा क्षेत्र को। अगला है पूंजी निर्माण के तीन चरण कौन से हैं, तो बचत का सृजन, बचतों का संगठन तथा वास्तविक निवेश। अगला है हमारा आरीविका एवं रोबस्टा किसकी दो प्रजाति प्रमुख स्पीसीज हैं, कॉफी की। अगला है विभिन्न राज्य के मध्य खाद्य उत्पादों के वितरण तथा अन्य देशों को खाद्य उत्पादों के निर्यात व्यापार से कौन संबंध है, नेफेड। अगला है रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक की भागीदारी को मान्यता प्रदान की जाती है, तो 100%। अगला है क्राइसिल का पूरा नाम क्या है, भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना एवं सूचना सेवा लिमिटेड। अगला है भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया, 1978 में। अगला है प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है, तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। अगला है भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन कहलाता है आर्थिक विकास। अगला है चतुर्थ योजना में दो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए, स्थिरता के साथ समृद्धि और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगला है स्टाम्प शुल्क दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क केंद्र आरोपित करता है, परंतु उसके संग्रहण का अधिकार किसे है, राज्य को। अगला है किन करों को केंद्र आरोपित करता है और इससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र व राज्य सरकार के मध्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है, तो आयकर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क को। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक
पुस्तक के लेखक हैं W.A. Lewis। अगला, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था, तो पूर्व सोवियत संघ में। अगला है नास देख क्या है, तो अमेरिका का शेयर बाजार। अगला है भारत में कौन सी नोट निर्गमन प्रणाली प्रचलित है, न्यूनतम कोष प्रणाली। अगला है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, तो आर किशन मुगम सेट्टी। अगला है रिजर्व बैंक की दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की होनी चाहिए, 25 लाख। अगला, विघटित यूटीआई के भागों यूटीआई और यूटीआई सेकंड में कौन सा भाग सेबी के नियमों के तहत म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत है, यूटीआई सेकंड। अगला, बिड़ला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त तो उपक्रम स्थापित करने करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया है, सन लाइफ के साथ। अगला, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला है, कौन वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री सीमित करने के लिए इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया है, जिससे संबंधित अधिनियम किस मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी गई, तंबाकू बांस के उत्पाद। VRS क्या है, तो अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छटनी के उद्देश्य आकर्षक प्रतिभूति पैकेज के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना। अगला, स्कॉर्पियन नाम का बहु उपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया, महिंद्रा ने। अगला, केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य है, ईश्वर का अपना देश। अगला, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक विकासन है, अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण विकास बैंक का। अगला है, उत्तरांचल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना कहाँ स्थित, हरिद्वार में। अगला है, देश में आवश्यक वस्तुओं का संकट रोधी भंडार किस संस्था द्वारा बनाया गया, तो भारतीय खाद्य निगम। अगला है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण से। अगला है, विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी, इंडियन एयरलाइन ने। अगला है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, भारत का। अगला है, देश में किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो बेहद मुंबई की। अगला है, C2 लागत प्रयोग किस प्रकार के मूल निर्धारण में किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में। अगला है, गेहूं चना सरसों और मक्का में से खरीफ की फसल कौन सी है, मक्का। अगला, रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल साख का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है, 18%। अगला है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है, भारत में। अगला है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई, सन 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, और नियमित जनगणना हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। अगला है, माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिला, गुजरात को। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को। अगला है, कोयला परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला, रूस से। अगला है, किस योजना के दौरान तमिलनाडु में कलपक्रम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई थी, चौथी योजना के अंतर्गत। अगला है, सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई, तो यह हरीके बांध। अगला है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई, 1985 में। अगला है, भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की गई, 1988 में। अगला है, दामोदर घाटी निगम द्वारा किन चार बड़े बांधों का निर्माण कराया गया था, तिलैया कोनार मैथान पंचेट। अगला है, जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो T.R. मालथस ने। अगला है, किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी, तो 1911 से 21 में। अगला है, भारत में अनवरत योजना किस अवधि में अपनाई गई, 1978 से 1983। अगला है, बैंक वास प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, गुन्नार मेडल ने। अगला है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगला है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी, J.V. किपलानी ने। अगला है, भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, केरल में। अगला है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई,
1950 में। अगला है बॉक्सिंग के लिए न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का क्या नाम है, योकी स्टेडियम। अगला है रुइना स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है, ब्रिज में। अगला है प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, नौकायन से। अगला है सभी समय को लिए कुरुंग फू सम्राट किसे माना जाता है, ब्रूसली को। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में। अगला है विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में, अमेरिका में। अगला है राउरकेला में इस्पात कारखानों की स्थापना किसके सहयोग से की गई, जर्मनी के। अगला है विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। अगला है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, हथकरघे के विकास से। अगला है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्ट जोले किस देश के नागरिक हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला है केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा सेवाओं पर आरोपित कर की दर वर्तमान में क्या है, 8%। अगला है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश। अगला है विश्व में सर्वाधिक तेज गति से चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है, तो जापान को। अगला है कन्या विद्याधन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई, उत्तर प्रदेश में। अगला फोशियन 500 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है, भारतीय तेल निगम IOC। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में। अगला है विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या है, अमेरिका में। अगला है राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई, जर्मनी के। अगला है मॉसीस्टिच संधि का मुख्य उद्देश्य यूरोप का एकीकरण। अगला है द्वीप विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री। बैंक नोट फेस कहाँ है, तो याद रखिए देवास MP। अगला है चार के उत्पादन उपभोग में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है, भारत। अगला है वर्तमान में कितने उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखा गया, 6 उद्योगों को। अगला है करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से। अगला है विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए ऑयल फॉर फूड समझौते से प्रत्यक्ष संबंध है, ईरान। अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी, 1969 में। अगला है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं, BS मिन्हास। अगला है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन में का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। अगला है भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगला है विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को किस वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है, 4.0%। अगला है सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की, 1974 में। अगला है किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। अगला है गैर निष्पादन परिसंपत्ति के मामले में वित्तीय संस्थानों में अग्रणी स्थान किसका है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का कब प्रारंभ की गई थी, 1 अप्रैल 1999 को। अगला है मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदल क्या रखा गया, रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज। अगला है भारत ने तमाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रसार पर प्रतिबंध किस तारीख से आरोपित किया, तो 1 मई 2004 से। अगला है एक्जिम नीति के तहत घोषित वित्तीय आर्थिक क्षेत्र योजना को कब से कार्यान्वयन किया गया, 1 मई 2004 से। अगला है भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन है, UTI। अगला है बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो JB से। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी, AM खुसरो समिति ने। अगला है डो जॉन्स क्या है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार। अगला है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। अगला है सीमा शुल्क की अधिकतम दर है, 20%। अगला है ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क की दर है, 0। अगला है भारत के रत्न आभूषण के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक है, तराशे हुए हीरों का। अगला है पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। अगला है मूडीज क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी। अगला है हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है, मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से। अगला है हमारा सप्तऋषि समिति का संबंध है स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बढ़ाने सुझाव से। संघाई सहयोग संगठन में कितने
राष्ट्र सदस्य हैं 6, याद रखिए यहाँ जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें 8 सदस्य हो गए हैं। वर्तमान 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2017 में पाकिस्तान और भारत को सदस्यता मिल गई थी। अगला है डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है, न्यूयॉर्क का। अगला है विश्व व्यापार संगठन की सदस्यों की संख्या है 100, WHO में याद रखिए 194 देश सदस्य हैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसमें 194 देश हैं, 157 नहीं है, ठीक है। वर्तमान 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। अगला है भारत में अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई, 1978 से 83। अगला है भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश में सीमा शुल्क की अधिकतम दर है 20%। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है, तो याद रखिए नाइट्रोजनी। अगला है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तृतीय क्षेत्र का। अगला है सप्तऋषि का गठन किस लिए किया गया था, स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए।